28 जुलाई को विश्व भर में हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी वायरस के कारण आपके शरीर के अंदर मौजूद लिवर में सूजन ला देती है। ऐसा होने से लीवर के काम पर असर होने लगता है। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खून को साफ रखने में मदद करता है, उसमें से टॉक्सिन को बाहर हटाता है और डाइजेशन में मदद करता है। अगर आपके परिवार में या आसपास में कोई भी इस बीमारी से जूझ रहा हो तो ध्यान रखें कि सिर्फ दवाइयां नहीं, डाइट का भी खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। अपने खाने पीने में आपको फाइबर युक्त भोजन को इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये आपके डाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है। इस कंडीशन में आपको किन किन चीजों को अपने खान पान में शामिल करना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। अपने डाइट में पोषक यानी न्यूट्रिटिव खाने जैसे फल सब्जियां को ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लें। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपके लिवर को नुकसान होने से बचाते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन कर सकते हैं। घर में खाना बनाने के लिए ऑलिव या कैनोला ऑयल का ही इस्तेमाल करें। लीवर में होने वाली दिक्कतों से राहत पाने के लिए नॉन वेज में लीन मीट, वेज में सोया बीन्स और अंडे खाएं। किन खानों को अवॉइड करें? अल्कोहल या शराब का सेवन ना करें क्योंकि शराब लीवर पर प्रेशर डालता है और उसके काम में बाधा लाता है। बिना अपने डॉक्टर को दिखाए या सलाह लिए किसी भी तरह की दवाइयों को ना लें। किसी भी तरह के प्रोसेस्ड खाने से दूर रहें। जंक या फास्ट फूड को अपने डाइट से दूर रखें। रेड मीट या बेक किए गए खाने से दूर रहें। दूध मक्खन या क्रीम का हरगिज सेवन ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट storyhow.in। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर